दोस्तों पिछली वीडियो में हम बात कर चुके थे 70वें क्वेश्चन तक, तो 71th क्वेश्चन पे आते हैं। 71th क्वेश्चन ये है कि माधन दोआ किसका सेनापति था। तो दोस्तों 71th का उत्तर हो जाता है सी, यानी कि हीरापुर के राजा हीर दे शाह का। 72 क्वेश्चन पे आते हैं हम। 72 क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है ए, यानी कि गौड़ अंगरिया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 73rd क्वेश्चन पे आते हैं। 73rd क्वेश्चन ये कहता है कि 73rd में ये कहता है कि इसका उत्तर जो होना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका उत्तर होना चाहिए सी। तो इसका वाक्यों पर विचार करना है हमें। मांडू धार जिले में है, मांडू के हिंडोला महल है, तो दोनों ही असत्य हैं ये मेरे हिसाब से बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही मांडू है ही नहीं वहाँ। तो 74th पे आ जाते हैं हम सीधे। 74th में जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। वहीं 75th की जब हम बात करते हैं तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 76th क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं कि वर्ष 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो 76th का जो उत्तर आपका हो जाता है वो हो जाता है ए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो दोस्तों ये चीज़ें भी आपको याद रखनी हैं, जो हम बार बार बोलते हैं कि कहीं कहीं पे फैक्चुअल और कहीं पे कंसेप्चुअल आपको होना पड़ेगा अगर आपको स्टेट पीएससी क्वालिफाई करना है। तो वहीं यूपीएससी के लिए पूरा कंसेप्चुअल और थोड़ा फैक्चुअल भी होना ज़रूरी है। 77th में जो है आपका जो उत्तर है वो बी हो जाता है, यानी कि श्री लियो दमाचो दोरगी भूटान के 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धर्म संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि ये थे। तो 78th पर हम आ जाते हैं। 78th जो प्रश्न आपका है उसका आंसर जो हो जाता है वो सी हो जाता है, यानी कि वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या था, अरुणिमा योजना। नहीं दोस्तों, इसके मेरे हिसाब से जो इसका उत्तर होना चाहिए वो डी होना चाहिए, आयुष्मान भारत। 2018 में जो भारत के द्वारा विश्व बैंक की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना, तो वो अरुणिमा योजना यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, मगर आयुष्मान भारत भी इसका आंसर कई जगह पे लिखा हुआ है, तो ये भी डाउटफुल एसेट्स में आप डाल सकते हैं। इसका उत्तर आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में, अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आ जाइए दोस्तों 79th क्वेश्चन की ओर। 79 में मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों के विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक स्थिति हेतु ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि को 2019 में बढ़ाकर कितना किया गया। दोस्तों 79th क्वेश्चन का जो उत्तर है उसका उत्तर है सी को उत्तर है, यानी कि 51,000 किया गया। 80 क्वेश्चन देखते हैं। 80वां जो क्वेश्चन है उसका उत्तर भी सी है, यानी कि कैमरा। तो 81th क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 81th क्वेश्चन का भी उत्तर जो है दोस्तों डी है। इसमें निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाता है डी। आगे देखते हैं दोस्तों 82 जो क्वेश्चन है, 82 क्वेश्चन का जो है उत्तर हो जाता है NH12, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं होकर गुजरता है, उसका नाम है NH12। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों 83rd क्वेश्चन को देख लेते हैं। 83rd क्वेश्चन जो है उसमें जो प्रश्न सही है उसका उत्तर है ए, यानी कि 2, 1, 3, 4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 84th क्वेश्चन जो है, 84th क्वेश्चन में जो उत्तर सही है वो है वेल्विक कटक, जो आंध्र महासागर में है। तो 84th क्वेश्चन के बाद आइए बढ़ते हैं 85th क्वेश्चन की ओर। हमारे बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं सारे क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हमने ये सीरीज़ वाइज क्यों करे, आप देखिए यूट्यूब पे तमाम फर्जी चैनल चल रहे हैं जो आपको भटका रहे हैं, मगर हम ऑथेंटिक सोर्सेज से जो है एनालाइज करने के बाद जो है ये चीज़ें आपको दे रहे हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये इनिशिएटिव बहुत पसंद आ रहे होंगे कि हम एक वीडियो में ना करके इनको टुकड़ों में कर रहे हैं, इससे आपको मज़ा भी आ रहा होगा दोस्तों। तो ये वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहिए, आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा ज़रूर होगा। 85th क्वेश्चन का देखिए आंसर जो है वो ए है। 86th का जो आंसर है दोस्तों वो ये हो जाता है, उसका आंसर हो जाता है डी। अब आ जाते हैं 87th क्वेश्चन की ओर। 87th क्वेश्चन में जो है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि आर्सेनिक। 88th क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। 88th क्वेश्चन का मतलब यह है कि एक ही पौधे में एक पुष्प में पराकोष तथा परागकण का उसी पौधे से दूसरे में परिविग्राहक स्थानांतरण कहलाता है, ये क्या कहलाता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाता है ए,
स्वम सुपुष्णन। तो 89th प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 89th प्रश्न में निम्न में से कौन सा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की भाषा है? तो 89th प्रश्न का जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। 90 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 90 क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि मनुष्य में मुख गुहान में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो इसका आंसर हो जाता है सी, कार्बोहाइड्रेट का। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों 91th क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में मौलिक अधिकारों की सूची संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाता है 91st का जो उत्तर हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है बी। अब 92nd की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 92nd का भी उत्तर हो जाता है बी, राम मनोहर लोहिया, यानी कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? वो किया था राम मनोहर लोहिया ने। तो आइए दोस्तों लगभग 94th क्वेश्चन की ओर हम आ चुके हैं। तो मतलब हम पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, हम पूरे 100 के 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। 94th क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, 93rd का जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि एस के वेदी। भारत के महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन थी? तो ये कौन थी? एस के वेदी। 94th क्वेश्चन की ओर जब हम बढ़ते हैं दोस्तों तो इसका आंसर हो जाता है डी, यानी कि अनुच्छेद 149। 95th की जब हम बात करते हैं, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम बताइए? तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाता है 95 का वो हो जाता है सी। वहीं 96th की जब हम बात करते हैं दोस्तों, 96th क्वेश्चन में जो है बहुत ही सरल सा प्रश्न है, तो इसका जो उत्तर हो जाता है 96th का वो हो जाता है ए। अब 97th प्रश्न पे हम आ जाते हैं। 97th प्रश्न में किस नदी की घाटी गहरी खड़ भूमि रेवाइंस के लिए विख्यात है? तो 97th का प्रश्न का उत्तर हो जाता है बी, सोन नदी। वहीं 98th प्रश्न की जब हम बात करते हैं इसका उत्तर हो जाता है 52। वहीं 99th और 102 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। तो निम्नलिखित में से परमार राजवंश का इतिहास किस पर प्रकाश डालने का काम करता है? तो 99th का आपका उत्तर हो जाता है सी। वहीं 100वां जो प्रश्न हो जाता है उसका उत्तर हो जाता है ए, चित्तौड़ के त्रिभुवन महानारायण मंदिर को किसने बनवाया? तो ये बनवाया था राणा प्रताप ने। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये पूरे जो हमने एनालिसिस किया है पेपर के, जितने भी कट ऑफ आपको बताई है, जिसको कट ऑफ की पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है वो जुड़ के ले सकते हैं, मैंने डाल दी है। तो मेंस आंसर राइटिंग आप लोग मुझे लगता है कि सभी प्री क्वालिफाई कर रहे हैं, इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आप सभी प्री क्वालिफाई कर रहे हैं। तो मुझे ज़रूर लगता है कि आप मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव जो हमारा चल रहा है उससे ज़रूर जुड़ेंगे। तो इसके लिए हमारे नंबर्स पे जो है आप जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है और सबसे बेस्ट ऑनलाइन इनिशिएटिव है, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ। शॉर्ट कॉम्प्रिहेंसिव हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है ये वीडियो कोर्स आने वाला है, समीक्षा सीरीज़ हमारी चल रही है 1995 से। देखिए दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन आपको कोई नहीं करके देगा, मगर हम करके दे रहे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो जुड़ जाइए आप IAS के साथ और आप UPSC क्वालिफाई ज़रूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।